assalamu class 10 today we are going to study about functioning of kidney as we have read about the structure of kidney uh, structure of urinary system and the structure of nephron this is the structure of nephron we have studied about its renal corpuscle and renal tubule and all the parts of the renal uh, tubule as well सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी द टॉपिक इलेवन पॉइंट थ्री पॉइंट टू द फंक्शिंग ऑफ किडनी का एक जो दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ यूरिन इज फॉर्म हमारी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है सो लेट स्टार्ट आवर लेक्चर कि यूरन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे फॉर्म होता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी पेज ट्वेंटी फोर द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन ठीक है इट इट कैन बी डन या इट कैन कम्पलीटेड इन थ्री पार्ट्स प्रेशर फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव रीअबज़ॉर्बशन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रिशंस सबसे पहले एक एक को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं ब्लड जो है वो रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी के अंदर एंटर होती है और आर्टीरियोल्स बनाती है ये आर्टीरियल्स जो है वो एक गुच्छा है या आप ग्रुप कह लें आर्ट्रीज का ये आर्ट्री रीनल आर्टरी रीनल वर्ड में पहले भी बता चुकी हूँ इट मीनस किडनी अब ये ब्लड रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी के अंदर एंटर हुआ और एंटर होने के बाद उसने आर्टीरियोल्स बना लिए बहुत सारी आर्टरीज मिलकर आर्टीरियोल्स बना लेंगी अब मैंने आपको पहले बताया था कि क्लस्टर ऑफ़ हमारे पास आर्टरीज़ या ब्लड वेसल्स कहाँ होती हैं ग्लोमेरुलस में अब ग्लोमेरुलस में बारीक बारीक वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा बारीक वेसल से आपका ब्लड स्पीड हाई स्पीड से गुजरेगा और हाई प्रेशर से गुजरेगा जिसकी वजह से इन दोनों चीज़ों की वजह से हाई स्पीड और हाई प्रेशर की वजह से वाटर सॉल्ट ग्लूकोज और यूरिया ये तमाम के तमाम ग्लोमेरुलस कैपिलरी से बाहर आ जाएंगे जबकि इसके अलावा जो तमाम की तमाम चीज़ें होंगी जिनमें आपके रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स वग़ैरह होंगी वो ग्लोमे के अंदर ही रहेंगे ग्लोमे फिल्ट्रेट के तौर पर जो चीज़ें बच जाएंगी और बाहर नहीं निकलेंगी उसको हम ग्लोमे फ़िल्ट्रेट कहेंगे और वो तमाम चीज़ें आगे बॉमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो चली जाएंगी लोमेर रूल फिल्ट्रेट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे हम लोगों ने बताना है बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो भी मैंने ऊपर मेंशन की हैं इनको हम ये फ़िल्ट्रेट कहेंगे ये यहाँ से बाहर आ जाएंगी और ये वाली चीज़ें अब आगे जा के ट्रांसफ़र होंगी बोमन कैप्सूल पर ठीक है यहाँ पे ये तमाम चीज़ें वाटर सॉल्ट ग्लूकोज़ यूरिया ये तमाम चीज़ें ग्लोमेरुलस से बाहर आएंगी और आगे जाएंगी बॉमन कैप्सूल के अंदर बाकी तमाम चीज़ें जो मैंने रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स के नाम लिए हैं वो वापस आपके ब्लड के अंदर रहेंगी और आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगी सवाए इन चीज़ों के दीज आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब ये बेसिकली हम डायग्रामेटिक व्यू में भी देख लेते हैं ये है आपकी डायग्राम ब्लड रीनल आर्टरी के ज़रिए एंटर होगा ये देखें यहाँ पे आपकी एक वेसल है जो कि ब्लड रिनल आर्टरी के ज़रिए एंटर हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस है ग्लोमेरुलस में आर हैं अब यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है इस जगह पे स्पीड बहुत ज़्यादा है जूम करके दिखा देती हूँ ग्लोमे के अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा है प्रेशर बहुत ज़्यादा है पानी सॉल्ट ग्लूकोज़ यूरिया तमाम के तमाम ग्लोमे से इस कप शेप स्ट्रक्चर यानी बोमन कैप्सूल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हम ये ग्लोमे फिल्ट्रेट जो है वो ग्लोमे से बोमन कैप्सूल के अंदर आ गया है जब बोमन कैप्सूल के अंदर आ गया तो इस जगह पर ये सारी के सारा जो काम हुआ है उसको हम क्या कहेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर फ़िल्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये तमाम काम जो है वो प्रेशर के अंडर हो रहा है और प्रेशर कहाँ से आ रहा है प्रेशर ब्लड वेसल से आ रहा है आपका खून बहुत तेज़ी से जो है वो इन तमाम वेसल से गुज़र रहा है तो, तो उस तेज़ी के तेज़ी में क्या हो रहा है हमारी तमाम की तमाम जो वेस्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो ग्लोमेरुलस रोलस फ़िल्ट्रेट के ज़रिए बोमन कैप्सूल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया अब यहाँ पर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमारा सारा मेटीरियल मौजूद है अब वहाँ से ये आगे की तरफ जो है वो प्रोसीड करेगा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेलेक्टिव रीएब्सॉर्बेशन सिलेक्टिव रीएब्सॉर्बेशन थ्योरी पहले देख लेते हैं नाइनटी नाइन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएबॉर्ब यानी यूरिया ग्लूकोज़ वाटर और सॉल्ट जो थे अब उनमें से 99 परसेंट चीज़ें वापस हमारी बॉडी ने री करनी है दोबारा से उसको एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में यूटिलाइज करनी है और ये काम किसके ज़रिए होगा ब्लड कैपिलरीज ऑसमोस डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये तमाम काम करेगी क्योंकि हमने अपनी चीज़ें ज़ाया नहीं करनी ब्लड का ग्लूकोज़ ज़ाया नहीं करना ब्लड का वाटर और सॉल्ट ज़ाया नहीं करने ये काम इन तीन प्रोसेस के जरिए होंगे ये तीन प्रोसेस क्या है ये हम बहूबी जानते हैं नेक्स्ट प्रोक्मल कॉन्विटेड टिब्यूल ये सारे के सारे आपके मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं और इसमें यह बताया गया है कि किस पार्ट में क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगी और किस प्रोसेस के जरिए एब्जॉर्ब होगी प्रोक्मल कॉन्विटेड टिब्यूल में वाटर ग्लूकोज और सॉल्ट री एब्ज़ॉर्ब होगा वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए सॉल्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हिले में वाटर रीअबज़ॉर्ब होगा असेंडिंग लूप ऑफ हिले में सॉल्टस रीअब्जॉर्ब होंगे जबकि डिजिटल कॉन्वेलेटिव टिब्यू में वाटर रीअब्ज़ॉर्ब होगा एज अ रिजल्ट जब सेलेक्टिव रीअबजॉर्बन का प्रोसेस होगा वाटर सॉल्टस ग्लूकोज ये तीनों चीज़ें हमारी दोबारा से रीअबज़ॉर्ब होकर बॉडी में आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगी ताकि यून के जरिए ये ख़ास खास चीज़ें आपकी बॉडी से ज़या नहीं होनी चाहिए आप डाइग्रामेटिक देख लेते हैं डाइग्राम आपके सामने है बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमे फ़िल्ट्रेट आ गया है जो कि यहाँ से आगे जो है वो एंटर होगा दिस इज़ प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल में मैं बता चुकी हूँ वाटर ग्लूकोज और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास सॉल्ट्स ये तीन चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब होंगी उसके बाद यहाँ से जाते जाते हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमारे पास वाटर जो है वो रिअब्ज़ॉर्ब होगा उसके बाद आगे जाते जाते हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हिलने में सॉल्टस रीअबॉर्ब होंगे और असेंडिंग लूप ऑफ हिलने से आगे जाते जाते डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल के अंदर भी हमारा वाटर रीअब्ज़ॉर्ब होगा एज अ रिजल्ट जब यहाँ पर हमारे पास जो यूरिन तैयार पहुँचेगा उसके अंदर से तमाम वाटर सॉल्ट और जो ग्लूकोज़ वग़ैरह है वो रीअब्ज़ॉर्ब कर ली जाएंगी इसके अलावा जो चीज़ें बचेंगी वो आगे इन कलेक्टिंग डक्ट्स के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तो ये हमने क्या पढ़ा है ये हमने पढ़ा है सिलेक्टिव रिओब्ज़ॉर्प्शन सिलेक्टिव रिब्जॉर्पन इसको क्यों कहते हैं क्योंकि देखिए हमने इसमें यूरिया कहीं पर भी रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ यूरिया हमारी बॉडी का वेस्ट था यहाँ पे ग्लूकोज यूज़ की क्योंकि ये हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा है इसको हमने सेलेक्ट किया सिलेक्टिव चीज़ों को हमने रीअबॉर्ब किया हमारी बॉडी ने हमारी किडनी ने नेफ्रॉन ने बाकी तमाम चीज़ों को बाहर निकाल दिया नेक्स्ट हमारा जो है वो टिब्यूलर सिक्रुशन जो है वो पॉइंट है लास्ट पॉइंट नाउ टिब्यूलर सिक्रुशन टिब्यूलर सिक्रूशंस में क्या है आयन कैरेटिनिन और यूरिया ये तमाम की तमाम चीज़ें ये ब्लड में मौजूद होती हैं नाउ ब्लड कंटेन ऑल दिस वेस्ट मटेरियल्स यूरिया केरेटिनिन इन ये आइन हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है ब्लड इनको फिल्टर करके रीनल टिब्यूल के अंदर डाल देगा रीनल टिब्यूल यानी किडनी की ट्यूब के अंदर रीनल यानी किडनी अब ये रीनल रीनल टिब्यूल जो है इसको यूरिन में कन्वर्ट करके कलेक्टिंग डक्स के ज़रिए रीनल पेलवी से आपकी बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाएगी यहाँ पे एक चीज़ मेंटेन रखनी है कि जो ब्लड की पीएच है वो 7.35 से 7.45 मेंटेन फोर होनी चाहिए अगर ब्लड में इन आइन्स की या कैरेटिन या यूरिया की ए, कमी हो गई है तो ये थोड़ी सी आपके ब्लड के अंदर रह जाएगी और अगर हमारे ब्लड में ये बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एब्ज़ॉब करके इसको रीनल टिब्यूल के जरिए यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा अब बेसिकली हंड्रेड परसेंट फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूरिन है उसके अंदर वन परसेंट आपका यूरिन है नाइन्टी नाइन परसेंट जितनी तमाम चीज़ें वो री एब्ज़ॉब कर ली जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं सिर्फ इस वन परसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसानदेह यूरिया केरेटिनिन और ये आइंस हो सकते हैं ठीक है ग्लूकोज सॉल्ट वाटर तमाम एब्ज़ॉर्ब कर लिया जा जाता है। अब आप कहेंगे वॉटर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो फिर भी यूरिन लिक्विड क्यों होता है तो वो बेसिकली वो वॉटर होता है जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती यूरिन पर डे वो पों पों लीटर पर एक जो है इट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ना वॉटर विच इज प्रेजेंट इन यून इज नाइनटी फाइव परसेंट ठीक है यूरिन कंटेन 95 परसेंट वाटर 9.3 ग्राम पर लीटर यूरिया क्लोराइड आइंस 1.87 ग्राम पर लीटर सोडियम आइन्स 1.17 ग्राम पर लीटर पोटेशियम आइंस 0.750 ग्राम पर लीटर अदर आइंस एंड कंपाउंड्स वेरिएबल अमाउंट्स सो दिस विल बी योर एम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक लीटर यूरिन के अंदर कितना पानी है कितना यूरिया है कितने क्लोराइड आइंस हैं सोडियम आइंस हैं पोटेशियम आइंस हैं या फिर कोई और दूसरी चीज़ें हैं वो ये आपके सामने मौजूद हैं अब आप इनमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पानी मौजूद है ठीक है और उसके बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट यूरिया की है क्योंकि ये वो वेस्ट है जो हमारी बॉडी से लाजमी लाजमी एक्सक्रीट आउट होना चाहिए कम तादाद में आपको मिलेगा क्लोराइड आइंस पोटेशियम सो, आइंस और सोडियम आइन देखिए ये जीरो पॉइंट सेवन वन पॉइंट वन वन पॉइंट एट ये बहुत कम तादाद है जबकि यूरिया नाइन पॉइंट थ्री है बहुत ज़्यादा अमाउंट है सो दिस इज़ द केमिकल कम्पोजिशन या नॉर्मल केमिकल कम्पोजिशन ऑफ यूरिन नाउ कम्स टू द औसमो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी ठीक है किडनी ऑस्मो रेगुलेशन यानी बॉडी के मेंटेनेंस का भी काम करती है अब ये डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ़ अ किडनी ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं इट इज़ अ रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स अब ऑसमो रेगुलेशन किडनी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो यही कर रहा है कि वाटर और सॉल्ट की मेंटेनेंस कर रहा है हमारी बॉडी में से सॉल्ट और वाटर यूरिन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ना निकल जाए इसके लिए क्या है ऑसमो रेगुलेशन ऑसमो रेगुलेशन दो तरह से जो है वो डिस्कस करते हैं देर इज़ एन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड देर इज़ एन एक्सेसिव इन टेक ऑफ वाटर लॉस ऑफ वाटर यानी पानी का ज़्याा हो रहा है बॉडी के अंदर से एंड इन टेक ऑफ वाटर कि हम पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं रोजाना डेली बेसिस पे अब लॉस ऑफ वाटर को देख लेते हैं अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होगा हमारी बॉडी से हद से ज़्यादा पानी एक्सक्रीट आउट हो रहा है और हम पानी ज़्यादा नहीं पी रहे क्या होगा कंसनट्रेट द बॉडी फ्लूड हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूड्स हैं यानी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा ब्लड uh, सिस्टम है जो खून वगैरह है उसमें क्या होगा कंसनट्रेशन हो जाएगी पानी की कमी हो जाएगी और रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन इन टेक ऑफ वाटर अगर हमारा बहुत ज़्यादा है और हम एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं इट डायल्यूट्स अवर बॉडी फ्लूट और हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड के अंदर पानी की मिकदार अच्छी खासी हो जाएगी और हमारे तमाम सेल्स आराम से मूव कर रहे होंगे हमारे ब्लड के अंदर नाउ यूरिन टू कंडीशन आर देयर हाइपोटोनिक एंड हाइपोटॉनिक कंडीशन हाइपोटोनिक हाइपो मीन्स लो टॉनिक मीन टॉनिसिटी यानी वाटर कंसनट्रेशन वन देर इज़ एन एक्सेस ऑफ वाटर आपकी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है किडनी फिल्ट्रेशन इज़ मोर ऊपर का साइन है यानी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो फ़िल्टर करेगी एंड लेस वाटर इज़ रीअब्ज़ॉर्ब पानी कम रीअबज़ॉर्ब होगा डायल्यूड यूरिन इज़ प्रोड्यूस पानी कम रीअब्सॉर्ब होगा क्योंकि आपकी बॉडी में अच्छा खासा पानी वैसे ही मौजूद है ठीक है आपकी बॉडी में मौजूद है आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी अगर पानी ज़्यादा आपकी बॉडी से निकल गया तो डायल्यूड यूरिन निकलेगा जिसके अंदर आपकी बॉडी से काफ़ी अच्छा खासी मेदार में पानी निकल जाएगा और ये यूरिन ज़्यादातर वाइटिश या ए, क्रीमी से वाइटिश कलर का होता है जबकि आपका हाइपर टॉनिक हाइपर टॉनिक हाइपर मीन बहुत ज़्यादा टॉनिक मीन वाटर हाइपर टॉनिक में बॉडी में शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है किडनी फिल्ट्रेशन बहुत कम हो जाती है क्योंकि अगर पानी बॉडी के अंदर से निकल गया तो आपकी बॉडी को खतरा होता है और किडनी आपको उससे बचा रही होती है वो अपनी फिल्ट्रेशन कम कर देती है इसके ज़रिए फिल्ट्रेशन कम करने से क्या होता है मोर वाटर इज़ रीअज़ॉर्ब पानी बहुत ज़्यादा जो है वो रिओबॉर्ब होता है इसकी वजह से इतनी ज़्यादा रीआबॉर्बेशन होती है कि कंसनट्रेट यूरिन निकलता है और ये यूरिन जो है इसके अंदर पानी की मकदार बहुत कम होती है और ये यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा येलोइश होता है और अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम कह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप या कान की तरफ या ज्वाइंट्स की तरफ जा रहे हैं तो दिस आर हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कंडीशंस यहाँ पे आज का टॉनिक होता है टॉपिक कंप्लीट होता है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस वन फोर और फाइव जो है वो मैं साथ साथ मार्क करवा रही हूँ आपकी बुक पे यहाँ पे निशान लगवा रही हूँ और आपको इस लेक्चर के साथ इमेज़स भेजूँगी ताकि आप वहाँ से नोट कर लें या तो आप बुक से लिख लें या आप इमेज से लिख लें इट्स डिपेंड्स ऑन यू सबसे पहले आ जाते हैं बुक पेज नंबर ट्वेंटी बुक पेज नंबर ट्वेंटी फोर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन है राइट अ नोट ऑन सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन सेलेक्टिव री ऐब्जॉर्प्शन का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से लेकर यहाँ तक है दिस इज योर सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ यूरस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यूरिन फॉर्मेशन जो है लॉन्ग फोर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे जो है वो आपका यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लॉन्ग फोर है फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका ऑसमो रेगुलरी फंक्शन ऑफ किडनी से रिलेटेड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज पर पे आपके जो जा रहा है पेज नंबर ट्वेंटी तु। सिक्स पेज ट्वेंटी सिक्स पर जो है वहाँ यहाँ पर लॉन्ग फाइव जो है वो आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ तक आज का टॉपिक खत्म होता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे ला हाफिस